हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक आइडियाज बाय ज्योति में। चलिए आज हम बनाते हैं ठंड में खाने वाले बढ़िया मजेदार से लड्डू, जिससे हमारी ठंड तो दूर जाएगी ही जाएगी, साथ में कमर का दर्द भी दूर हो जाएगा। ये है मखाने, जो सबसे ज्यादा इसमें आयरन कैल्शियम होता है और ये सबसे ज्यादा अच्छा ड्राई फ्रूट्स है, जिसको खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और इसको खाने से वीपी वगैरह की भी हमें प्रॉब्लम कम होती है। इसको हम हल्का हल्का भून लेंगे, मैंने कोई घी नहीं डाला है इसमें, कुछ भी नहीं डाला है। और ये लड्डू स्पेशली आप शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें चीनी का यूज़ बहुत कम किया है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे चीनी डालनी है, तो आप चीनी को नहीं भी डालें, क्योंकि इसमें हमने गुड़ का यूज़ किया है। इसको हम हल्का हल्का भून लेंगे सारी उसको मखानों को, और हम इनको चॉपर से चॉप कर लेंगे या मिक्सी में चला लेंगे, महीन नहीं होने चाहिए। ये हैं बादाम और ये हैं काजू, ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैंने एक एक कटोरी लिए हैं। मखाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कटोरी में अगर मखाने आएंगे तो बहुत कम मात्रा में आएंगे, इस वजह से। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून लिया है धीमी धीमी गैस पे, आप सूखा भूने, इसमें घी बिल्कुल नहीं डाला है। ये है अखरोट, ये भी एक कटोरी है, इनको भी हम हल्का हल्का भून लेंगे। ये हमने भून दिए हैं, अब हम इसमें ये डाल रहे हैं मींग। खरबूजे के बीज होते हैं ना, वो है ये, उसको मींग कहते हैं, उसी को डाल रहे हैं। और ये हम डाल रहे हैं तिल थोड़े से। ये सारी ही ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हेल्दी और ठंड में खाने वाले होते हैं, तो हम इसी को जैसे अलग अलग हम देते हैं तो बच्चे खाते भी नहीं हैं, और अगर हम इस तरीके से कोई स्वीट डिश बना देंगे उनके लिए तो वो ज़रूर खा लेंगे। ये है गोला, सूखा नारियल जिसको कहते हैं, और अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है पूरा पूरे तरीके से। इसको भी हल्का सा हमने सौते कर लिया है, ताकि ये थोड़ा सा जो हल्की सी महक वगैरह होती है वो निकल जाए। ये है पोस्ता दाना, ये पोस्ता दाना है, ये दखनी काली मिर्च है। दखनी काली मिर्च से आंखों की रोशनी तेज होती है और बच्चों को जरूर देनी चाहिए। ये 4-5 हरी वाली इलायची डाली है मैंने, और उसको हम पीस लेंगे। अब ये है थोड़ा सा घी, और हमने एक कड़छली घी लिया है, इसमें लगभग दें तो आप लगभग मैंने 5-6 चम्मच घी लिया है, और इसमें मैं गोंद को भून ले रही हूँ। गोंद होती है ना, जिसे जाड़ों में खाया जाता है, इसके लड्डू भी बनते हैं गोंद के, उसी से हम ये वाले लड्डू बनाएंगे। ये हम घी में भून ले रहे हैं गोंद को। अब यही एक कटोरी आटा है, सिर्फ एक कटोरी आटा डाला है मैंने, और इस एक कटोरी आटे से लगभग 60-70 लड्डू बनाए हैं मैंने, क्योंकि हमने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं उनको भी पीस लिया है, और उन्हीं को डाल के हम ये सारे लड्डू बांधेंगे। सिर्फ एक लड्डू आप सुबह सुबह खाएं और बस आपका नाश्ता पूरे तरीके से पूर्ण हो जाएगा। कोई आपको बादाम नहीं खाने की ज़रूरत है, अलग से काजू खाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये एक लड्डू ले लेते हैं तो पूरी डाइट है ये। ये देखिए आटा भुनने लगा है, मैंने बहुत बस उतना ही आटा डाला है जितना मेरा घी भी उतना डाला है कि यूज़ हो जाए और वो बंधने लगे, और उतना ही आटा डाला है कि लड्डू आराम से बंध जाएं, ताकि उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए। अब ये मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें छींटे दे रही हूँ, ताकि वो लड्डू जो बने वो रबेदार बने हमारे, थोड़ा सा रबा रबा लगे उसमें। और इस तरीके से हमें बेसन को भी और आटे को भी जब हम लड्डू बनाएं तो हमें ये प्रक्रिया ज़रूर करनी चाहिए, इससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं और ख़राब देर में होते हैं। ये हलवाई वाली ट्रिक है, ये ही ट्रिक हलवाई ज़रूर करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आटा भुन गया है, तो अब इसी कढ़ाई में आटे को निकाल दूंगी इससे, और इसी कढ़ाई में अब हम बनाएंगे थोड़ी सी चाशनी गुड़ की। ये मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब इसमें हम भूनेंगे सौंठ, जिसको सूखा अदरक भी कहते हैं। ये लगभग मैंने 1 चम्मच सौंठ डाल दी है, ये देखिए 1 चम्मच सौंठ है ये। जिस हिसाब से आप अदरक ले रहे हैं उस हिसाब से ही आप घी लें। ये डाला है मैंने दखनी काली मिर्च, सफ़ेद काली मिर्च के नाम से भी आती है, और उसी में मैंने पोस्ता दाना पीस लिया है, और उसी में मैंने हरी इलायची छोटी वाली जो होती है ना वो डाली है। इनको हम थोड़ी देर घी में भूनने के बाद इसमें गुड़ डालेंगे, तब चाशनी बनाएंगे, क्योंकि वो घी में भूनने के बाद ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी, इसलिए। अब हम इन्हें इसमें लगभग 250 ग्राम गुड़ डाला है, और उसी में आधा कटोरी पानी डाल दिया है मैंने।
अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे थोड़ी सी। और ये मैंने बहुत छोटी एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ मैं, वो लौंग पड़ी हुई है उसमें इसलिए। और ये मैं डाल रही हूँ अब आटा जो हमने भून के रखा था ना वो डाला है, और मींग और वो हमने पीसे थे। अब ये देखिए मखाने डाल रही हूँ, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स अब हमने वो भुने थे उन सबको मैंने मिक्सी में थोड़ा हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है, थोड़ा मोटे मोटे रहने दिए सारी चीज़। वो आपको मेवा जब आप ये चलते जाएगा ना तब आप देखते जाएंगे। हमने गैस को बंद नहीं किया है, गैस एकदम कम है। ये है नारियल, मींग और तिल जो हमने डाले थे, वो सब एक एक करके हम इसको मिलाते जाएंगे पहले और उसके बाद चलाएं। एक साथ गलती से भी ना डालें, क्योंकि गलती से जब ये एक साथ पड़ जाएगा तो सूखी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और गीली चीज़ हमारे साथ मिक्स नहीं हो पाएगी फिर, इसलिए ध्यान रखें कि एक एक करके चीज़ों को मिक्स करें। ये देखिए अब ये मिक्स हो गया है, तो अब हम डाल रहे हैं काजू, बादाम, अखरोट, ये सब भी हमने मिक्सी में थोड़ा सा चन कर लिए थे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे इनको भी चलाते चले जाएंगे। बस हमारी अभी गैस सिम पे है, हमने बंद नहीं किए, ये ध्यान रखिएगा आप। अब जब हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारे लड्डू बंधने लायक हो गए हैं, हमें गैस जब बंद करनी है जब हम ये देख लें कि हमारा जो मिक्सर है वो कितना सूख रहा है। अगर वो ज़्यादा गीला है तो हमें एक आध मिनट और गैस को ऑन रखना है। अब मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि लड्डू बनने लायक हो जाएंगे। अभी ये कढ़ाई भी 5-7 मिनट गर्म रहेगी तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही हिलाती रहूंगी थोड़ी देर, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है। इसी को हम थोड़ा 5-7 मिनट चलाएंगे तो ये थोड़ा और अच्छा सूख जाएगा। चलिए 5-7 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनके लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए हम कोई गरम, मैंने घी का हाथ लिया है, थोड़ा थोड़ा घी लगाती जा रही हूँ और लड्डुओं को बनाती जा रही हूँ। आप चाहें तो पानी के हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन घी के हाथ से ये है कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपके एक आध महीने तक ख़राब भी नहीं होंगे बिल्कुल। इन्हें आप बाहर रखिए, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाहर भी ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, महीने 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब होने वाले नहीं हैं ये। और हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं, जोड़ों का दर्द वगैरह ये सब गायब कर देंगे आपका। आप प्रतिदिन, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी हो, एक लड्डू रोज़ ज़रूर खाएं इसका। और ये थोड़े से कि मैं आपको बर्फ़ी बना के दिखाती हूँ। अगर आपको लड्डू बांधने नहीं आते हैं तो आप उसकी बर्फ़ी बना सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ी को काट के और उसी तरीके से आप बस एक साथ घी लिया और हम इसको एक सा कर देंगे। ये देखिए चिकनी हो जाएगी ये उसी तरीके से, और हम थोड़ा और डाल देंगे, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को लड्डू बांधने आए या नहीं आए, तो आप कम से कम इस तरीके से अपना पूरा कर सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए इतने सारे लड्डू बना दिए मैंने, एक प्लेट आपकी बर्फ़ी भी बन के तैयार हो गई है। अब उसका मैं कट लगा रही हूँ, आप जैसा मन करे वैसा शेप दे लें उन्हें इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू तैयार हुए हैं आपके। अब हम इसमें मार्केट का लुक देने के लिए अब हम इसमें लगा देंगे चांदी का बरक। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगेगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेंगे आपको, कि आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आप इन्हें मिठाई के डिब्बे में लगा देंगे कि ये आपने घर पे बनाए हैं। ये देखिए अब मैंने लड्डुओं पे भी लगा देती हूँ। लड्डू का तो मैंने डिब्बा भी, ये दीपावली पे आया था मेरे यहाँ तो मैंने वो डिब्बा रख लिया था और उसी में लगा दिए, तो बिल्कुल आपको जज नहीं कर पाएंगे आप कि जब से ये लग जाएगा चांदी का बरक वगैरह तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मैंने घर पे लड्डू बनाए हैं, क्योंकि इसी टाइप के लड्डू आपने देखा होगा कि मार्केट में भी मिलते हैं। ये देखिए हमारे बर्फी के पीसेस निकल आए हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया, ठंड के लिए एकदम रामबाण इलाज है ये कि आप एक लड्डू रोज खाएं। चलिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर मेरा रेसिपीज वगैरह आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को बताएं और अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजें। ये देखिए फर्स्ट क्लास। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।